अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ मी आलिया वहीद एंड दिस इज़ द चैनल फ्रॉम मेडिकेयर चैनल। सो इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस अबाउट द एडीनो रिसेप्टर्स। सो एडीनो रिसेप्टर्स आर एक्चुअली नथिंग, दे आर एडेनर्जिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट एंड दे आर स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग द प्रोसेस विद अटैचिंग विद अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, can also be called as adrenaline and non-adrenaline. So now in this lecture we are going to discuss about their types and their subtypes. Okay, so actually the adrenal receptors are of two types. Okay, majorly two types hain. One is alpha, other is beta. So now alpha is again subdivided into the two types, which is alpha 1 and alpha 2. Then beta is again subdivided into the three subtypes, which is beta 1, beta 2 and beta 3. Okay, okay. So these are the subtypes of these types of receptors. And one thing important about these receptors, that they all are G protein coupled receptors. तो क्या चीज़ आपको इस बात से समझ आ रही है कि किस तरह से इसने एक्टिवेट होना है, वो सब आपको समझ आ रहा है कि इनके अंदर जी प्रोटीन होगी और जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर्स है, तो यानी इनके अंदर जी प्रोटीन है, रिसेप्टर आके बाइंड करेगा, जी प्रोटीन स्टिमुलेट होगी और आगे आपका रिस्पॉन्स होगा, या तो एडीनाइल साइक्लेज के ज़रिए से रिस्पॉन्स होगा या वो IP3 के ज़रिए से भी रिस्पॉन्स हो सकता है। सो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सब में जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर, रिसेप्टर की टाइप बताई हुई है, ये कुछ तरह के, जैसे रिसेप्टर की टाइप हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, कुछ जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स हैं, कुछ केमिकल या हार्मोनल गेटेड रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयन गेटेड चैनल्स हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड, बहुत सारे टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की। लेकिन अगर हम इन रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो ये सारे जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स हैं। लेकिन जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। तो वो अब किस तरह से होंगे, उनको याद रखने के लिए एक क्विज है, ठीक है, एक वर्ड है उनको याद रखने के लिए, जो कि है QISS, किस, ठीक है। सो किस से आप लोगों को किस तरह से याद रहेगा, किस से आपको याद रहेगा, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। सो क्यू अल्फा वन रिसेप्टर आपके पास जी क्यू होगा, क्यू का मतलब क्या है, जी क्यू, ठीक है, जी क्यू रिसेप्टर्स है हमारे पास। अल्फा टू की अगर आप बात करते हैं तो वो हमारे पास जी आई है, इससे क्या मिला, जी आई है ये रिसेप्टर, यानी जो अब आपके पास जी प्रोटीन है उसको इनहिबिट कर रहा है, जी आई इनहिबिशन वो करता है। और ये जो तीनों B3 हैं ये हमारे पास इस S के साथ जाके अटैच होंगे, ये तीनों, ठीक है। और ये तीनों किस नेचर की हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये तीनों GS हैं, यानी ये G का पर जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी S आ रहा है वो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जहाँ पर I आया वो उसको इनहिबिट कर रहा है, और Q भी उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है, सिर्फ जी आई है जो इसको इनहिबिट करता है। और इनहिबिशन किसके काम में आ रहा है, अल्फा टू रिसेप्टर के काम में आ रहा है, जी आई A1 A2 इनहिबिट कर रहा है, ये तीनों स्टिमुलेटरी हैं और ये भी स्टिमुलेटरी है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको रिसेप्टर्स की बात बता दी है कि वो किस तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसके सिंपल एक जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर बना के भी दिखा दूँ तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट जो है वो पिछड़ा मजीद क्लियर कर सकते हैं। जैसे जी प्रोटीन ये मेम्ब्रेन है और इसमें ये जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर कुछ इस तरह से 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी लाइगेंड या कोई भी चीज़ ड्रग कह सकते हैं वो आके इसके ऊपर, जैसे ये ड्रग यहाँ था वो यहाँ आके इसके ऊपर अटैच होगा, यहाँ इसके लास्ट टर्मिनल के ऊपर इधर एक जी प्रोटीन अटैच होती है। इस जी प्रोटीन के तीन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मैं इस तरह से तीन सब यूनिट बना देती हूँ, ये अल्फा सब यूनिट होता है, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। जैसे ही ये लाइगेंड, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइगेंड आके बाइंड नहीं किया, अभी ये रिसेप्टर स्पेयर है, ठीक है, अभी ये रिसेप्टर
पेयर है, कोई आके अटैच नहीं हुआ, तो जी प्रोटीन ऐसी होगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट करें मैं कोई भी ड्रग देती हूँ या कोई भी लाइगेंट आता है वो आके इसके साथ फॉर एग्जाम्पल अटैच हो गया अब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जी प्रोटीन स्टिमुलेट होगी। जी प्रोटीन जैसे स्टिमुलेट होगी तो यहाँ पर ये जो अल्फा जो आपके पास कंपोनेंट है या सब यूनिट है ये डिटैच हो जाएगा बाकी सब यूनिट से। ठीक है, सो यहाँ पर बाकी ये सब यूनिट चले जाएंगे, सिर्फ अल्फा बच जाएगा। तो बाकी सब यूनिट्स क्या हो गए, चले गए और सिर्फ ये अल्फा बच गया। अब यहाँ पर ही आगे हमारे पास मेम्ब्रेन में एक और एंजाइम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, ये होता है एडिनाइल साइक्लेज। सो ये जो अल्फा रिसेप्टर है ये इसके साथ जाके बाइंड अप कर देगा। जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जितने भी सेल के अंदर हमारे पास AMP होते हैं, AMP क्या है, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, ठीक है, AMP, ये उनको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP में। और साइक्लिक AMP आप लोगों को पता है कि जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो हमारे पास डिफरेंट जो सेलुलर रिस्पॉन्स जो भी प्रोड्यूस होना होता है, जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स आपके पास प्रोड्यूस होना होता है, RC रिस्पॉन्स हो गया, वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। GQ इसी तरह आपके पास स्टिमुलेट करेगा, GS स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जो GI है वो इस चीज़ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, वो उसको इनहिबिट कर देगा, ये साइक्लिक से AMP प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ भी इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि पोजीशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम लोग Alpha-1 रिसेप्टर्स की पोजीशंस और उनको फुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी रिसेप्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट है, एक लोकेशन उनकी कहाँ है, और दूसरा हर लोकेशन पे वो काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या काम होगा। सो अब हम लोग Alpha-1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाते हैं। सो Alpha-1 रिसेप्टर, ये तो आपको पता लग गया कि वो जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या है, GQ रिसेप्टर है। ठीक है, अब अल्फा की जो वन की ये जो प्रेजेंस है वो चार जगह पे है। कितनी जगह पे है, चार जगह पे है। ये Alpha-1 रिसेप्टर हो गया, ये एक तो आपकी ब्लड वेसल्स में है, मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिख रही हूँ लेकिन आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि BV से क्या मतलब है कि ये ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। दूसरा ये आई के ऊपर प्रेजेंट है, आई के किस पोर्शन में है वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। चौथा ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा में प्रेजेंट है आप कह सकते हैं। और थर्ड ये मसल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये इन चार जगहों के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स का देखते हैं कि किस हाँ और ब्लड वेसल के किस पोर्शन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स की इनर जो स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है, ये वो एक लेयर हो गई, और ये इनर, सो ये जिस लाइनिंग को मैं हाईलाइट कर रही हूँ या कलर कर रही हूँ ये हमारी स्मूथ मसल्स थे। ब्लड वेसल में आपने पढ़ा है ना ट्यूनिका मीडिया होता है, सो ये वही ट्यूनिका मीडिया की लेयर है, स्मूथ मसल्स की लेयर है। और ये हमारे पास इनर में जो एपिथीलियम में कहा जाती है, ये वो एपिथीलियम है, और ये हमारे पास खाली ल्यूमन है जहाँ से ब्लड ने एंटर करना होता है। ठीक है, सो ये इस तरह से ये ब्लड वेसल आपकी आ रही है। ठीक है, सो अब आपके पास क्या होगा कि इसी स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा रिसेप्टर, Alpha-1 रिसेप्टर, ये मैंने Alpha-1 रिसेप्टर बना दिया। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। सही, अब आपके पास क्या चीज़ होनी है कि जैसे ही कोई भी लाइगेंट या कोई भी चीज़ आएगी वो आके इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगी। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आके Alpha-1 रिसेप्टर, क्योंकि ये एडीनो रिसेप्टर्स हैं तो इसके ऊपर क्या बाइंड करेगा, एपिनेफ्रीन। वेरी गुड, एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन। अब आपके पास जो बुक है, आपके पास कौन सी, ये जो लिपन कोड इलस्ट्रेशंस रिव्यूज की बुक है वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो अगर अल्फा एडिनो रिसेप्टर्स हैं वो किस लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आप अल्फा रिसेप्टर्स की बात करें तो ये एपिनेफ्रीन को ज़्यादा करते हैं, एपिनेफ्रीन आ जाएगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर अगर नॉन एपिनेफ्रीन को प्रायोरिटी देंगे, और लास्ट में एक और रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं आइसो प्रोटीनोल, प्रोटीनोल। ठीक है,
इसकी स्पेलिंग आप बुक से देख लीजिएगा। सो ये इनको तरजीह देते हैं। अब ब्लड में आपको पता है कि ब्लड वेसल है, और क्या कोई भी न्यूरॉन आती है या जो भी आता है, सो उसके अंदर ये दोनों होंगे, एपिनेफ्रीन भी होगा नॉन एपिनेफ्रीन, दोनों आएंगे। बट आपको पता है क्योंकि ये एक अल्फ़ा रिसेप्टर है, चाहे वो अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 है, बट जितने भी अल्फ़ा रिसेप्टर हैं वो एपिनेफ्रीन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। सो अब क्या होगा कि नॉन एपिनेफ्रीन को ये छोड़ देगा, नॉन एपिनेफ्रीन यहाँ अटैच नहीं होगा, एपिनेफ्रीन यहाँ जाके पहले ही अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब एपिनेफ्रीन अटैच हो गया, अल्फा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा, जी प्रोटीन क्यू रिसेप्टर है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम अब इसने स्टार्ट करना है। अब आपको पता है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है ना, इसने जब काम करना है वो आई जो इनोसिटोल जो साइकिल होता है IP3 वाला, उसके ज़रिए से एक्टिवेट होना है, उसके ज़रिए से अपना काम करना है। एक तो होता है ना एडिनाइल साइक्लेज, एक IP3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट वाला साइकिल होता है, उसके ज़रिए से ये काम करेगा और एक्टिवेट कर देगा। देन अब आपके पास क्या होगा कि जैसे ही ये एक्टिवेट हो चुका है, अब यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ब्लड वेसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ बाइंड हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुई भी, मैंने आपको दिखा दिया कि ब्लड वेसल पहले इतनी थी, अब उसका साइज बिल्कुल इतना सा हो गया है। ल्यूमन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है, और इस तरह से ये होता है कि ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको पता है कि ब्लड वेसल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये बात आप लोगों को पता होगी कि ब्लड प्रेशर अब जो होगा BP वो कम हो जाएगा। जो TPR होता है, TPR आपको पता है क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि देखिए ल्यूमन सिर्फ इतना सा बन गया है, ठीक है, एक बड़े पाइप में से पानी नहीं गुजरना हो तो वो इजीली गुजरता है, लेकिन अगर हमने पाइप छोटा ले लिया, सिर्फ इतना सा पाइप ले लिया, तो उसमें से पानी को गुजरने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर TPR बढ़ जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। सो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो एडिनो रिसेप्टर्स हैं, इनका ताल्लुक होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हम क्या होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट के मूड में होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट के मूड में कब है, जब हमें गुस्सा आता है, या हम कोई ख़तरनाक चीज़ देते हैं, या हम इमोशन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि गुस्से का केस है, हमें गुस्सा आया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर जो है उस सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम लिख दिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा जल्दी से ब्लड पहुँचाने के लिए। ठीक है, सो ये फाइट एंड फ्लाइट का केस आ जाता है, लेकिन ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट का केस नहीं है, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में ब्लड वेसल डायलेट होंगी। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वहाँ पर डायलेट होंगी। ठीक है, अब ये तो पहले मैंने आपको बता दी कि ब्लड वेसल के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ है, किस पोजीशन में है और क्या काम कर रही है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास क्या आ गई थी, मैंने जो दूसरी आपको लोकेशन बताई थी वो थी आई में, आई के प्यूपल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको आई ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आई के अंदर भी दो मसल्स होते हैं, ये आई में भी मसल के अंदर ही अटैच होगा, ये आई का जो आई बॉल होता है। ठीक है, मैं पूरी आई ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ, ये आपकी आई है। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक आई बनाई है मैंने, सॉरी। यहाँ पर ये आई का प्यूपल है, ये जो ब्लैक ब्लैक छोट सा डॉट नज़र आता है इसको हम प्यूपल कहते हैं। इस प्यूपल के गिर्द दो तरह के मसल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया है यहाँ पर। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो ये डार्कर एरिया, इसको हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, ये प्यूपल का ये जो है ना, ये वाले मसल्स, इनको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, ये पूरी आई बॉल हमारे पास आ जाती है। ये जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, इनके ऊपर अटैच होते हैं M3 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये वाले जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल। ये क्या है, SPHINCTR। ठीक है, ये स्पिंटर मसल्स हैं और उनके ऊपर M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब M3 रिसेप्टर्स क्योंकि अभी हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में या उनके जो मस्कराइनिक रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा,
EM3 मस्करेनिक रिसेप्टर की एक सब टाइप है, ठीक है, जैसे अल्फा की सब टाइप है ना, अल्फा 1 अल्फा 2, इसी तरह मस्करेनिक की M3 रिसेप्टर की टाइप है जो कि आई में प्रेजेंट होती है, और ये वहाँ पर आई को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहे, आई के पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहे होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की पोजीशन को देखना है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। हमारे अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स हैं वो इस वाली, ये जो इस ये वाला जो मेम्ब्रेन है ना, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये इसके अंदर जो है हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लगे हुए होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, ये पीपल को डायलेट करवाएंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, गुस्सा आया हुआ है आपको, और गुस्से में आंखें फैलती हैं, ठीक है, अब गुस्से में आंखें आपकी फैलेंगी। अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन, बट कौन ज़्यादा अटैच होगा, यस एपिनेफ्रीन ज़्यादा जल्दी इसके ऊपर अटैच होगा, नोर एपिनेफ्रीन नहीं अटैच होगा, क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो किसको तरजीह देते हैं, वो एपिनेफ्रीन को तरजीह देते हैं, तो एपिनेफ्रीन पहले आके अटैच होगा और नोर एपिनेफ्रीन अटैच नहीं हो सकेगा, ठीक है। नोर एपिनेफ्रीन अटैच नहीं हुआ और एपिनेफ्रीन अटैच हो गया, अब इस पीपल ने डायलेट करना है, ठीक है। अब मैं उसकी डायलेशन को आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका आई पहले से ज़्यादा डायलेट कर गया, पहले उसका साइज़ मैंने इतना बनाया था, अब उसका साइज़ इतना हो गया, आपकी आँख फैल चुकी है, क्योंकि आप क्या हैं, गुस्से में हैं, तो गुस्से में हमेशा क्या करती हैं, हमारी आंखें फैलती हैं, ठीक है। तो प्यूपल डायलेट हो चुका है इस जरिए से। नेक्स्ट जो पोजीशन थी, हमने पहले दो पोजीशन हमने देखनी है, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ है मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप। सबसे पहले ब्लड वेसल्स में है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही थी। यहाँ दूसरी पोजीशन है आई के प्यूपल के जो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर मसल्स पे तो अटैच नहीं है, बाहर प्रेजेंट हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स, वहाँ पर एपिनेफ्रीन अटैच हुआ और प्यूपल डायलेट हुआ, क्योंकि गुस्से में आंखें फैलती हैं, ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, आंखें फैलती हैं, ठीक है, ये चीज़ से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स के ऊपर, अब मैं वो ड्रॉ करती हूँ और फिर मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रा है, आप सब लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। अब आपके यूरेथ्रा में यहाँ पर ये यहाँ पर इसका यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इस यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर ही आपका पास अल्फा रिसेप्टर्स क्या होंगे, अटैच होंगे। ये अल्फा रिसेप्टर मैंने इसके ऊपर बना दिया है। यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर्स आपके पास क्या करेंगे, ये यूरिनरी रिटेंशन करेंगे, यहाँ पर इस स्फिंक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये स्फिंक्टर पहले ऐसे नहीं था, ये स्फिंक्टर यहाँ से ओपन था, ठीक है, क्योंकि पहले आप क्या थे, गुस्से से पहले आप क्या थे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के केस में थे, रेस्ट पे थे, ठीक है। अचानक आपको किसी भी बात पर गुस्सा आया, ठीक है, पहले ये स्फिंक्टर खुला हुआ था, अब आप देख सकते हैं खुला हुआ है स्फिंक्टर, लेकिन जैसे ही आपको गुस्सा आया, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और आपका अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एपिनेफ्रीन जाके बाइंड अप करेगा, वो इस अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। GQ जो स्टिमुलेशन है वो IP3 रिसेप्टर के जरिए से एक्टिवेट होगी और आपका ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ से क्लोज हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पर यूरिन बाहर नहीं आ सकेगा, ठीक है ना, यानी यूरिनरी रिटेंशन हो गई, यहाँ पर जितना भी यूरिन है वो इधर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप किसी गुस्से की हालत में होते हैं या किसी भी इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो आपको जो है वॉशरूम जाने की अर्ज नहीं होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर ने स्फिंक्टर को बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, ये स्फिंक्टर बंद हो गया, जो पहले खुला हुआ था वो अब बंद हो चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मसल्स के ऊपर, तो मसल्स के ऊपर बिल्कुल सिंपल सा है, मैं मसल्स को ड्रॉ नहीं करूँगी। मसल्स के ऊपर इनका ये है कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, मसल्स को भी ये टाइट अप कर देते हैं, नई बात है, आपने किसी को मुक्का मारना है, आपके यहाँ के जो मसल्स होंगे वो टाइटन अप हो जाएंगे, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि आप जोर से किसी को मुक्का मार सकें, ठीक है। ये मैंने अल्फा 1 के सारे रिसेप्टर्स को आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब इन्हीं से ही हम आगे केस डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रीट करना है, उसके प्यूपल को आपने पहले से ही वो डायलेट हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, एक पहले से ही किसी का प्यूपल डायलेट हो चुका है, तो आप उसके अल्फा 1 रिसेप्टर जो आई के ऊपर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करवा देंगे ताकि मजीद डायलेशन ना हो, ठीक है।
इसी तरह अगर आपने कभी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो आप क्या करेंगे, फिर अल्फा वन रिसेप्टर्स को आप नहीं कहेंगे, आप जो M3 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे ताकि पीपल की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और आपके पास आपका काम जो है वो हो सके और आप पेशेंट को ट्रीट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आ जाती है वो है अल्फा टू रिसेप्टर्स के ऊपर और फिर बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अल्फा टू हमारे पास जो है ना वो पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट होती हैं, प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होती हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री बिल्कुल इजी सा है, वो हम एक ही लेक्चर में ही इसी के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।